इस महिला फोटोग्राफर ने ली थी नेहरू की सिगरेट पीते हुए विवादित तस्वीर। देखिए इनकी अन्य धमाकेदार तस्वीरें। होमाई व्यारावाला विवादित तस्वीरें। बहुत कम लोग ही देश की पहली महिला फोटोग्राफर के बारे में जानते हैं। गुजराती मूल की होमाई व्यारावाला को देश की पहली महिला फोटो पत्रकार मानी जाती हैं। वो आजादी से पहले और आजादी के बाद की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने कैमरा पकड़ा, वरना उस समय फोटोग्राफी में सिर्फ पुरुष ही हुआ करते थे। उनकी फोटोग्राफी की सबसे साफ बात यह है कि उन्हें आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कई फोटो खींचने का सौभाग्य भी मिला। यही फोटो आज तक उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। होमाई व्यारावाला विवादित तस्वीरें। उनकी खींची हुई कई तस्वीरों पर आज भी विवाद हो जाता है। प्रधानमंत्री की एक फोटो पर तो उस समय बहुत विवाद हुआ था। दरअसल आजादी मिलने के बाद नेहरू के कई विदेशी मेहमान उनसे मिलने और बधाई देने आए। इसमें वायसराय माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन भी थी। लेडी माउंटबेटन सिगरेट पीती थी, इसलिए जब वो मिलने आई तो उनके साथ एक तस्वीर में नेहरू भी सिगरेट पीते नजर आए, जिसके बाद यह विवाद हो गया कि एक प्रधानमंत्री होते उन्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए था। इस विवाद का सबसे बड़ा कारण फोटो जर्नलिस्ट होमाई थी। उन्होंने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया था। वो बहुत तेज तरार पत्रकार थी। इसके अलावा उनकी फोटो आजादी की गवाह बनी। उन्होंने कई ऐतिहासिक पलों को अपने कैमरे में कैद किया। लॉर्ड माउंटबेटन आजादी के बाद राष्ट्रपति भवन में सलामी लेते हुए पंडित नेहरू एवं उनकी बहन विजयलक्ष्मी को गले लगते, महात्मा गांधी के साथ खान अब्दुल गफ्फार खान एवं गांधी जी के निजी चिकित्सक सुशीला नायर की दुर्लभ तस्वीर उन्होंने खींची है। उन्हें युवा दलाई लामा की तस्वीरें खींचना का भी क्रेडिट दिया जाता है। हमाई को साल 2011 में पद्म सम्मान से नवाजा गया और उसके एक साल बाद ही 15 जनवरी 2012 को उनका देहांत गुजरात के वडोदरा में हो गया। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।